सोमवार को डॉक्टर सरीन असिस्टेंट प्रोफेसर श्री स्वामी नारायण आयुर्वेद कॉलेज कलोल गांधीनगर गुजरात की अगुवाई में 43 BA MS छात्रों व 3 फैकल्टी सदस्यों ने आयुष अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के हर्बल गार्डन हर्बेरियम व ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जोगिंदर नगर का दौरा किया। अनुसंधान संस्थान के परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी उज्ज्वल दीप ने कहा कि यहाँ पर इन छात्रों ने औषधीय पौध पहचान, इनके आयुर्वेदिक उपयोग व औषधीय परीक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हर्बेरियम में रखे गए विलक्षण औषधीय प्रजाति की पहचान के बारे में गहन रुचि दिखाई। उज्ज्वल दीप ने बताया कि उन्होंने अपने सहयोगी वनस्पतिज्ञ मदन लाल एवं सहायक महिमा ठाकुर व औषध परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी विपिन कुमार के साथ अनुसंधान संस्थान में औषधीय पौधों की महत्ता, गुणवत्ता व पहचान पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी जोगिंदर नगर में गुजरात से आए हुए 43 BA MS छात्रों ने भ्रमण किया। उनके साथ उनके प्रोफेसर डॉक्टर सरीन भी उपस्थित थे। भ्रमण के दौरान इन छात्रों ने हर्बेरियम का मुआयना किया और वहाँ रखी हुई औषधीय पौधों को पहचान करने के लिए अपनी रुचि प्रकट की और काफ़ी संतुष्ट रहे। इस दौरान उन्होंने फील्ड में ही दौरा किया, वहाँ पर उगे हुए पौधों के बारे में जानकारी ली, उनके पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त की और ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी इन्होंने रुचि दिखाई और वहाँ पर भी इन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी जैसे औषधीय पौधों की पहचान, उनके उपयोग और उनके परीक्षण के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। यहाँ पर उपस्थित हमारे सहयोगी वनस्पतिज्ञ वंदन लाल जी, सहायक वनस्पतिज्ञ महिमा चौधरी जी और DTL के प्रभारी श्री विपिन कुमार जी ने अपनी विस्तृत जानकारी इन छात्रों को दी। इस दौरान छात्रों ने इन वनस्पतियों को अच्छी प्रकार से देखा, पहचाना और काफ़ी प्रभावित हुए कि इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हिमाचल के क्षेत्र में जो पाई जा रही हैं, उनको एक स्थान पर उन्हें देखने का सुअवसर मिला। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।